Truly speaking, it is not my function and not my program also. But to begin with, that why we are gathering here और क्यों ये सब मजमा किया गया है उसको थोड़ा सा ब्रीफ बता देते हैं. सी, केमिकल्स आर पार्ट ऑफ द लाइफ नाउ. प्रीवियसली इंजीनियरिंग के अंदर में केमिकल जो होता था सिर्फ सीमेंट तक हम लोग पढ़े थे. फिर आया वाटरप्रूफिंग केमिकल कि वाटरप्रूफ कैसा होगा, क्या होगा. उसमें फिर टेक्नोलॉजी डेवलप होने लग गई. देन केम दी पॉलीमर बेस्ड केमिकल. पॉलीमर निकला, पॉलीमर से कैसा पॉली यूरेथीन का बेस निकला. होने के बाद फिर इट डिज़ाइन दी वाटर प्रूफिंग कॉन्सेप्ट इन टू वाटर सॉल्वेंट कॉन्सेप्ट. मतलब पॉलीमर का पानी में घुल जाना, वो एक उसका कंपोजिशन मुझे याद नहीं मगर बहुत टिपिकल काम है वो. क्योंकि पॉलीमर बोलते थे कि वाटर रेजिस्टेंस होता, मतलब उसके साथ मिलना नहीं चाहिए था. लेकिन अब ऐसा हो गया कि इट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग कि भाई केमिकल को मिलाने में आ रहे हैं अपने को. व्हाई वी यूज़ केमिकल, व्हाई यू यूज़ पॉलीमर, व्हाई वी गो फॉर दिस. सी, वाटर प्रूफिंग इज अ सेपरेट सब्जेक्ट. हमारा जो मटेरियल बनता है उसका कंपोजिशन सही हो रहा है क्या, एडमिक्सचर डालने के बाद कंपोजिशन सही हो रहा है क्या. टू गेट गुड क्वालिटी ऑफ कॉन्क्रीट, टू गेट मोर स्ट्रेंथ, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है उसकी कम करने के लिए पॉलीमर्स का यूज़ किया जाता है. वी यूज़ प्लास्टिसाइजर्स टू गेट गुड मटेरियल. क्वालिटी ऑफ मटेरियल अच्छी करने के लिए, उसका कॉम्पैक्शन, उसका प्लेसमेंट के अंदर जो आसानी हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिसाइजर यूज़ करते हैं. अभी प्लास्टिसाइजर, पॉलीमर, केमिकल, पॉलीयूथरीन, ये सब चीज़ें हैं क्या, इसकी डिटेल है क्या. कई कंपनीज मार्केट में हैं आजकल. इसके बारे में मालूमात गूगल पे भी है, अपनी बुक्स में भी है, हम लोगों ने बहुत सा पढ़ा हुआ है. एंड ट्रूली स्पीकिंग, इफ एन इंजीनियर हैज़ टू वर्क हार्ड गेट द गुड रिजल्ट ऑफ हिज बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, दैट इज गुड क्वालिटी ऑफ वर्क, देन एनहांसमेंट इन द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर. आज सबसे बड़ा स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम अपने लिए क्या है, लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर. हम अगर किसी को पूछे कि व्हाट इज द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर, आरसीसी स्ट्रक्चर की लाइफ क्या होना चाहिए, आई वुड बी हैप्पी टू गेट द आंसर. क्या लाइफ होना चाहिए उसकी, 50 ईयर्स बता रहे हैं आप लोग सब लोग ना. तो ताजमहल अभी तक गिरा क्यों नहीं, विटी का स्टेशन गिरा क्यों नहीं, बॉम्बे का ताजमहल होटल गिरा नहीं, हावड़ा ब्रिज गिरा नहीं. रीजन, मेंटेनेंस. फर्स्ट पार्ट, मेंटेनेंस अच्छा होगा तो बिल्डिंग ज्यादा चलेगी. समबडी आस्क्ड द क्वेश्चन टू द ट्रेनर कि सर व्हाट इज द लाइफ ऑफ द बिल्डिंग. तो ही सेड, आपका क्या उम्र है, सेड 40 इयर्स. तो कैन यू डू द सेम थिंग विच यू आर डूइंग एट 20 इयर्स एज. बोले नहीं. उतना क्रिकेट खेल सकता है क्या, दौड़ सकता है क्या, मेहनत कर सकता है क्या. बोले नहीं. अभी तुम क्या करते हो, बोले. तो बोले अभी सर थोड़ा ब्लड प्रेशर हो गया, दवा लेता हूँ. दवा लेता है ना. हाँ सर. और नींद कितनी लेता है, बोले नींद सर 7 घंटा 8 घंटा बराबर सोता हूँ. सोता है ना. और बुखार हो गया, बीमारी हो गई तो क्या करता, घर पर बैठता है. नहीं नहीं सर, पहले डॉक्टर को दिखाता हूँ, डॉक्टर को दिखाता हूँ. बोले अभी मैं एकदम फिट हूँ सर, देखो वेट वेट सब मेरा बराबर है. लाइक दैट बिल्डिंग हैज़ टू बी देयर. आदमी के जो रख रखाव है, आदमी जो अपने हिसाब को रखता है, ज़रा कुछ हुआ, अब महीने में एक बार हजाम के पास जाने ही जाना है, बाल कटाना है, भाई बराबर दिख रहा हूँ क्या. तो मेरा बोलना ये है कि जो स्ट्रक्चर की लाइफ हम लोग बोलते 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल 100 साल भी हो सकती है, बढ़ सकती है. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द यूज ऑफ द मटेरियल, द वर्केबिलिटी. ऑब्वियसली वर्केबिलिटी के अंदर में आपका कॉम्पैक्शन से लेकर के एडमिक्सर मिलाना, प्लास्टिसाइजर मिलाना, सब कुछ शामिल हो जाता है. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द वर्केबिलिटी ऑल्सो. उसके बाद सबसे बड़ा पार्ट जो फैसल साहब ने बताया कि मेंटेनेंस. तो मेंटेनेंस क्या है, बिल्डिंग का बना देना एक अलग टेक्निक है, बिल्डिंग का रह जाना एक अलग टेक्निक है, स्ट्रक्चर बने हुए मिले हमको अलग टेक्निक है, उसको मेंटेन करना. देखो आपने किसी ने सुना होगा ना यार, पैसा तो कमा लिया, आप मेंटेन कैसा करेंगे देखते हैं. तो बिल्डिंग तो बन गई, मेंटेन कैसा करोगे. मेंटेनेंस के पार्ट में बिल्डिंग का आरसीसी कंपोनेंट बचाना बहुत जरूरी है. आरसीसी कंपोनेंट का दो चीज बहुत दुश्मन है, एनवायरनमेंट और पानी. कहीं से भी अगर स्किल खुलावा मिल गया, उसको हवा लग गई, तो जो सॉल्ट कंटेंट है हवा के अंदर में उसको कोरोजन कर देगा और अंदर अंदर सिसल सड़ जाता है. केमिकल कहीं क्रैक हो गया, पानी घुसना चालू हो गया, पानी अंदर जाने के बाद
अपनी कंक्रीट की तो यूनिटी ख़राब करेगा ही करेगा, प्लस स्टील को ख़राब करेगा। और स्टील जो है, जैसा हम लोग बोलते हैं, हमारे हाथ में जो हड्डी है वो स्टील है, और जो गोश्त है वो हमारा कंक्रीट है। तो दोनों बचा कैसे है? देखो, हमारी हवा से जो है ना ब्रीद होता है, वेदर से हमको रोए दिया ना पता लेने, ब्रीद होता है, ये होता है। हमको तो हवा से ज़िंदा रहने का रास्ते बताया, मगर यहाँ हवा के इफेक्ट से बचाना बिल्डिंग को ज़रूरी है। अब उसमें क्या क्या चीज़ आ गई? बिल्डिंग तो बन गई, बाहर से वेदर से इफेक्ट के लिए सबसे पहली चीज़ आती है कलर। कलर ऐसा होना चाहिए कि जो उसको मतलब प्रोटेक्शन देवे, एक उसका कपड़े के तौर पे प्रोटेक्शन देवे, प्लस फिर वाटर प्रूफिंग का ट्रीटमेंट। इसमें आपके वाटर टैंक आ गया, टेरेस फ्लोर आ गया, छज्जेज आ गए, बालकनीज आ गई, ओपन वरांडा कुछ होता है उसमें आ गया, उसको ट्रीटमेंट के वास्ते अलग अलग केमिकल बहुत से मिलेंगे आपको। कुछ कंपनियों को आप लोग जानते भी होंगे, कुछ को नहीं जानते होंगे। एक कंपनी को आज हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जो इस केमिकल की लाइन में ही है, और इनका कम से कम 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है। रेसिकॉन कंपनी जो आज हमारे प्रोग्राम को इन लोग ने स्पॉन्सर किया है और अपने को बुलाया है, ये एक टाइप का गेट टुगेदर है। इसी बहाने हमारे सब इंजीनियर्स और आई थिंक सम कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल्सो, हम लोग आपस में मिल लेते हैं, और मिलने के बाद एक थोड़ा सा चर्चा भी हो जाती है। काम की क्वालिटी डिपेंड करती है। आपने सुना होगा ना, कोई डॉक्टर बहुत फीस ज़्यादा लेता है तो पता चला भाई एक्सरे फ्री में करता है, ब्लड टेस्ट फ्री में करता है, और दूसरे काम फ्री में करता है। ऐसे अपने इंजीनियर्स का भी तरीका होगा अपने अपने तौर पे काम करने का। आई ऑलवेज बिलीव दैट नॉलेज शेयरिंग इज नॉलेज इंक्रीजिंग। वंस यू शेयर योर नॉलेज यू विल इंक्रीज। अगर मैं छुपाऊंगा तो कम हो जाएगा, और जहां मैंने खोला इस तरीके से बढ़ जाएगा। तो बड़े हुए नॉलेज को इस्तेमाल करना। देखो, माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आया, आदमी सीखा यहीं पर है, इस्तेमाल यहीं पर किया है। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर में एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ लर्निंग है। आपने देखा होगा रोड की टेक्निक नहीं निकल गई है, रोड पे वाइट टॉपिंग आती है आजकल, कंक्रीट का रोड बनता है ना, वाइट टॉपिंग होती है उसकी, वो नई टेक्निक निकली है। मतलब पानी के एब्जॉर्प्शन कम करके, उसकी विस्कोसिटी मेंटेन करके, और उसके ऊपर में फ्रिक्शन कम होता है, तो मतलब वो एक नई टेक्निक निकली है। ब्रिजेस में देख लो आप, जॉइंट्स पहले ऐसे होते थे, ऐसे ऐसे होता था, अब जॉइंट्स में जाओ तो मालूम नहीं पड़ता है, बराबर है। पियर्स बनाने का सिस्टम चेंज हो गया, वाटर के अंदर 200-200 फुट नीचे से स्ट्रक्चर ला करके खड़ा करके अब जा रहे हैं। हमारा ये कॉरिडोर हो रहा है, समंदरी रास्ता जो हुआ है, हम यहाँ आज बैठे हैं। कुछ देखो, एवरी मोमेंट इज अ लर्निंग मोमेंट। द वन हु स्टॉप्स लर्निंग स्टॉप्स अर्निंग टू। जो लर्निंग छोड़ेगा उसको अर्निंग करने का भरोसा मतलब नहीं तरीका आना चाहिए। और एक्सपीरियंस जो आदमी को शेयर करने की जो मैं बात कर रहा था, एक्सपीरियंस कम्स एट द कॉस्ट ऑफ एज। हम लोग अपनी उम्र घलाते हैं तो एक्सपीरियंस आता है, एक्सपीरियंस काम करने का, एक्सपीरियंस मटेरियल को परखने का, एक्सपीरियंस काम के बारे में एनालिसिस करने का। आरसीसी स्ट्रक्चर्स के अंदर में जो सबसे बड़ी चीज़ है, हम लोग जब भी कोई चीज़ बनाते हैं तो वी टेक द लोड एट कोलैप्स। एट वॉट लोड द बिल्डिंग विल कोलैप्स, एट वॉट लोड द बिल्डिंग विल कोलैप्स। उसका रेजिस्टिव पावर दे दिया हमने स्टील में सेक्शन में, तो रिटेन करेगा। हमारी फील्ड सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल या स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, हर कोई कनेक्टेड है सीमेंट स्टील कंक्रीट के साथ में, इससे हटके कोई नहीं हो सकता। तो हमारी फील्ड के अंदर में बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, और हम सीखेंगे कैसे? अब अगर मैंने फैसल साहब को फ़ोन किया तो उनको जो मालूम वो मुझे बताएंगे, और मुझे जो मालूम मैं उनको बताऊंगा। शकील साहब को बोला तो उनको जो मालूम है मुझे बताएंगे, वन टू वन होगा। लेकिन जब ऐसा गेट टुगेदर होता है, स्पेशली किसी कंपनी की तरफ से, मिस्टर पंकज जी बैठे हैं इधर पे, स्पेशली कोई एक्सपर्ट की तरफ से होता है, तो बहुत सी चीज़ें जो हम लोग बोलते ना भूला हुआ सबक रहता है, याद आ जाता है। क्योंकि कॉलेज में हम लोग जो पढ़े, अब कितना साल हो गया, किसको क्या साल हो गया। तो आज की ये मीटिंग के साथ से हम लोगों को बैक टू स्कूल का भी फार्मूला थोड़ा सा रहेगा। कुछ बुक्स अपने पास रखी हुई है, उनको निकाल करके देखना रहेगा। क्योंकि नेशन बिल्डिंग में सबसे बड़ी चीज़ ये है टू सेव द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑल्सो। आज हमारी पूरी गवर्नमेंट उस पर लगी हुई है,
आपको बता दूं कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बना हुआ है कि भाई जो बिल्डिंग बन चुकी है, जो अच्छे स्ट्रक्चर हो गए हैं, मोनोमेंटल टाइप या जो भी बड़े स्ट्रक्चर, उनको बचाया कैसे जाए। 175 ईयर्स ओल्ड हेरिटेज चलता क्या, नॉलेज शेयरिंग का जो प्लेटफॉर्म अपना है। कई लोग बोल देंगे सर कहाँ खड़े हो गए यार फिर बोल करने के वास्ते, तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ अपनी बातें हम लोग आपस में शेयर करके, कुछ एक्सपीरियंस को आगे बढ़ा करके। अब जो एक कंपनी वालों ने प्रोग्राम रखा है, इसका मोटो यह है, सी वी आर नॉट हियर टू प्रमोट एनी कंपनी। हम लोग कंपनी प्रमोट करने नहीं खड़े हुए, हम लोग क्या देखना चाहते हैं, उनका प्रोडक्ट कैसा है, उनका कैलिब्रेशन क्या है। वी विल कंपेयर द थिंग्स विद अदर कंपनी, ठीक है, यूज़ करते हैं अब तो, यूज़ करने में जो भी हमको प्रोडक्ट जमता है, जिसकी मेरे को सर्विस अच्छी मिलती है, कॉस्ट अच्छा मिलता है, एफिशिएंसी मिलती है, तो उसमें हम लोग जा सकते हैं, उसको ले सकते हैं।